एक्चुअली इस बार मैंने क्या किया, संडे को प्रॉपरली पूरा सॉल्व कर दिया है। ओके, तो यहाँ समझा दूंगी, ठीक है? तो तुम लोग बस देख लेना कैसे क्या हुआ है, राइट? एंड देन वी आर गुड टू गो, ठीक है? चलो देखते हैं। हमारा फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑब्टेन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव फॉर अ स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड आपको दी करना है यहाँ पे डाइवर्जेंस, ठीक है? एट द पॉइंट दिस के लिए जब हम इसको डाइवर्जेंस फाइंड करेंगे तो हम एक्स वाई जेड जगह पर क्या रख देंगे, एक्स वाई जेड की जगह पर हम ये पॉइंट्स रख के लास्ट में सॉल्यूशन निकालेंगे। और जो डायरेक्शन होनी चाहिए वेक्टर की आई जे और के, दैट इज आई प्लस जे प्लस के, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन है, क्या करोगे, यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑल्सो, ठीक है? यहाँ से आप लोग स्क्रीन शॉट लेना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? क्या करना है, मैंने यहाँ पे एफ से डिनोट किया है क्योंकि फाइव आ नहीं रहा था सिंपल में, ठीक है? इसको आप फाइव में भी लिख सकते हो, आपका फाइव ही है, ठीक है? फाइव एक्स वाई जेड, ठीक है? क्या करना है हमको, डाइवर्जेंस फाइंड करना है। तो हमको पता है डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ एस इज इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ एफ डॉट बी, ठीक है? क्या करोगे इसको, जहां पे भी अब क्या रहता है डायरेक्शन वेक्टर। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि वी वेलोसिटी है, ठीक है? वी आपका डायरेक्शन वेक्टर है। सिंपल हम क्या कर देंगे, डिराइव कर देंगे। फर्स्ट टर्म एक्स के कंपेयर एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, क्या आंसर आएगा, फाइव बाय, ठीक है? वाई के रस में होगा तो क्या आंसर आ जाएगा, फाइव एक्स माइनस सिक्स वाई जेड क्यूब, क्योंकि वाई स्क्वायर का क्या निकल कर आ जाएगा यहाँ से, अगर हम थ्री वाई स्क्वायर जेड क्यूब को करेंगे तो वाई स्क्वायर का आ जाएगा टू वाई, राइट? और थ्री जेड क्यूब हमारा कॉन्स्टेंट है तो बाहर रहेगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, सिक्स वाई जेड क्यूब, ओके? और लास्ट टर्म जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, पूरा कॉन्स्टेंट, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, थ्री वाई स्क्वायर आपका बाहर और जेड क्यूब का हो जाएगा थ्री जेड स्क्वायर, तो क्या आंसर जाएगा, थ्री थ्री आर नाइन वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है? तो ये क्या था, ये था आपका आंसर। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद चलो इसको इरेज कर देते हैं, वरना कुछ बच्चे इसका ही स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, नाउ इवेल्युएट दीज पार्शियल डेरिवेटिव। अब इसको क्या करना है हमको, सिंपल जीरो वन और माइनस वन पे रखना है, वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दो, यू विल गेट आंसर, ठीक है? क्या आ जाएगा, फाइव सिक्स और नाइन। हमको डायरेक्शन किस डायरेक्शन पे निकालनी है, आई जे और के पे, आई जे और के, यानी तीनों के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वन वन और वन। तो हमको पता है डायरेक्शन बताने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, डायरेक्शन बताने के लिए हम जब डाइवर्जेंस निकालेंगे तो हम किसका डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे यहाँ पे, आई प्लस जे प्लस के का। तो सिंपल आपका एक हो गया फाइव सिक्स नाइन और दूसरा रहेगा वन वन वन, डॉट प्रोडक्ट कर दो, द आंसर विल कम एज टू, दिस इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे लिख देते आंसर इज, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है? कैलकुलेट द वर्क डन सिमिलरली, वाई डैश टी भी क्या हो जाएगा, वन, एंड जेड डैश टी भी क्या हो जाएगा, वन, ठीक है? अब इसकी वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे, ये डीएक्स बाई डी टी डी वाई बाई डी टी है ना, यहाँ पर हम वन वन रख देंगे, ठीक है? और अब एफ वन टी एफ टू टी और एफ थ्री टी क्या हो, एक्स वाई और जेड की जगह पे क्या रख दो, सिंपल टी, ठीक है? टी क्यूब कितना आ गया, फोर टी टू द पावर सिक्स। फिर से यहाँ पर टी रखा, कितना आ गया हमारा, माइनस टी टू द पावर सिक्स, एंड अगेन इस केस में भी क्या हो जाएगा, थ्री टी टू द पावर सिक्स। क्यों, क्योंकि हमको इसी पॉइंट्स पर निकालना है, ठीक है? रख दिया, नेक्स्ट हमको क्या करना है, डेरिवेटिव। चलो ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेट करें, वैल्यू पुट की यहाँ पर, वन था कोई वैल्यू नहीं आएगा, क्या आ जाएगा हमारा, सिंपल टर्म जो फोर्स का था वही टर्म आ जाएगा, ठीक है?
इंटीग्रेट करना है जीरो से वन के बीच, सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट कर दो, क्या आंसर आ जाएगा? योर आंसर विल कम 5/7 जूल। ठीक है, किसी को डाउट हो इन क्वेश्चंस में, समझ में नहीं आए तो राइट इन द चैट बॉक्स, ठीक है, या फिर हैंड रेस करके आप लाइव क्लास में पूछ भी सकते हो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक क्लियर हुआ दो क्वेश्चन सबको? अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में 1 प्रेस कर दो। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द डाइवर्जेंस थ्योरम इवैल्यूएट, ठीक है, आपको डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज करके इवैल्यूएट करना है, सिंपल, ए आपको दिया हुआ है, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे और इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है, ओवर द सर्फेस ऑफ स्फीयर, बस ये याद रखना है सर्फेस हमारा कौन सा है, स्फीयर, तो हमारी जो वॉल्यूम रहेगी वो आएगी स्फीयर की, तो स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4π3 πr³, ठीक है, और रेडियस आपको दिया हुआ है यहाँ पर 8 यूनिट, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा, हमारे डाइवर्जेंस थ्योरम से हमको पता है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए, ठीक है, वैल्यू पुट करी, ए की वैल्यू यहाँ पे रख दो, 2x cos² y 3xz और 2z sin² y, इंटीग्रेट कर देंगे हम, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे करो कहता है सेकेंड का ए, ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑन अ चार्ज पार्टिकल लोकेटेड एट ए, तो जो ये ए पॉइंट है, ठीक है, इस पर आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना और फील्ड बताना है ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल सिचुएटेड इन बी एंड सी, ठीक है, बी की वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा है और कितनी फील्ड लग रही है, पहला पॉइंट, सी की वजह से कितना फोर्स लग रहा है और कितनी फील्ड लग रही है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ चार्ज आर गिवन द फिगर बिलो, ठीक है, एंड एक्सप्रेस योर रिजल्ट इन द यूनिट वेक्टर नोटेशन एंड एज अ मैग्नीट्यूड। यहाँ पे काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कैसे करना है, तो ये कॉन्सेप्ट आपने 11th में पढ़ा हुआ है, याद करो कि जब भी हम कूलम लॉ पढ़ा था आपने, तो कूलम लॉ में आपने 2 चीजें पढ़ी थी, अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं फोर्स का तो वो हम इससे निकालते हैं 1/4π ε0 q1 q2 / r², ठीक है, तो जो ये हम पूरा पढ़ते हैं ये केवल क्या होता है, आपको केवल मैग्नीट्यूड बताने के लिए होता है, और अगर डायरेक्शन यहाँ पे लिखने, तो आप डायरेक्शन कई बार हम लिख देते हैं यहाँ पे अलोंग ए बी या अलोंग सी डी, ठीक है, जब हम केवल डायरेक्शन ईस्ट से लिख देते हैं तो वो आपका एक बार हो जाएगा कि आप फोर्स बता रहे हो मैग्नीट्यूड के साथ, तो फिर आप उसको क्या बता रहे हो, डायरेक्शन, ठीक है, बट अगर फोर्स को यूनिट वेक्टर में लिखना है तो याद करो, ये हमने मैकेनिक्स क्लास में बहुत अच्छे से समझा था, किसी को याद है, बहुत डिटेल में समझा था हमने, कोई बताएगा कि यूनिट वेक्टर का कैसे करेंगे हम अगर डायरेक्शन बतानी हो तो? किसी को नहीं याद, मैग्नेट उसमें हमने मैकेनिक्स की क्लास में देखा था कि अगर हमको डायरेक्शन बतानी हो तो हम क्या करते हैं, हम मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर यू विल राइट अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, क्या करेंगे हम, एक यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और यूनिट वेक्टर क्या होता है, आपका यूनिट वेक्टर रहेगा जो भी ये आपका डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट आर ए बी, ये यूनिट वेक्टर को हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे और ये होता का आर वेक्टर बाय मॉड्यूलस ऑफ आर, तो ये जब एक बार आप सर्च करो कि वेक्टर कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि जब हम फोर्स का वेक्टर निकालते हैं तो वो आपका होगा ये, एक सेकेंड हाँ यहाँ पे समझा देती हूँ, अदरवाइज काफी बच्चे बोलेंगे मैम ये आपने क्या कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो जब हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो हम यहाँ पर आप यहाँ ये लिखेंगे, फोर्स वेक्टर रहेगा, ठीक है, वही k q1 q2 / r², बट यहाँ पर हम एक
आपका यूनिट वेक्टर इंक्लूड करेंगे, ठीक है, डायरेक्शन बताने के लिए. अब यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई, सबको पता है, क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर. यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ द सेम वेक्टर, ठीक है. तो अब यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका ये बन जाएगा k q1 q2 by r cube into r vector. ये होता है आपका फोर्स इन द वेक्टर फॉर्म, ठीक है. तो इस क्वेश्चन में हमको यही निकालना है. हमसे पूछा गया है पहले मैग्नीट्यूड, तो हम पहले निकालेंगे मैग्नीट्यूड जो हमारा नॉर्मल कूलम्स लॉ होता है उससे, और फिर आपसे पूछा गया आपको बताना यूनिट वेक्टर नोटेशन. तो यूनिट वेक्टर नोटेशन में आप वेक्टर फॉर्म में इसको निकालोगे, ठीक है. तो हर बार हम फोर्स दो बार निकालेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो बार निकालेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि मैम ये सही कैसे हुआ, ठीक है. ये जब आप देखोगे थोड़ा बहुत खुद से तब आपको समझ में आएगा, और ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है. तो जो सोच रहे हैं कि मैम ये हम कहाँ से देखें, तो ये जो आपकी इग्नू की बुक है ना वहां पर भी आपको दिया है. एक्चुअली इस असाइनमेंट के ना मोस्टली क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं, तो इसमें अगर किसी बच्चे ने अगर प्रॉपरली भी देखे होंगे ना क्वेश्चंस, तो इसमें आपको ज्यादा गूगल या चैट जीपीटी की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस वाले असाइनमेंट में सारे के सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स आपके बुक में दिए हुए हैं, ठीक है. आप बुक अगर एक बार देख लोगे ना उसी से आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है. तो क्या फाइंड करना है हमको, पहले हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ए पॉइंट पर. फॉर्मूला रख दो कूलम्स लॉ के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर. अब ये डिस्टेंस कितना है, फोर. अब देखो ये भी देख लो 64.03 कहां से आया, हमको ए से सी का डिस्टेंस निकालना था. यहां से हमको 40 दिया हुआ है और बी से सी हमको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर. सिंपली हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे, तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 64.03. मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया हुआ है, आपको अगर ये सॉल्व करना है तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, आपका एटलीस्ट एक पेज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है. तो पाइथागोरस थ्योरम से आप ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे, हम इसको यहाँ पे 64 लेके चलेंगे, ईजी होगा सॉल्व करने में. जब आप इसको सॉल्व करोगे ना विदाउट कैलकुलेटर तो बहुत हार्ड होगा एग्जाम में, इसलिए हमेशा हम क्या करेंगे छोटा सा टर्म लेके चलेंगे, ठीक है. वैल्यू पुट कर दी, कितना आ गया फोर्स हमारा, -280.86 10^-3 न्यूटन. क्या हुआ है, हमारा चार्ज म्यू कूलम में दिया हुआ है, इसलिए हमको यहाँ पे कूलम में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा. इसलिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 10^-6, और जो हमारे डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में दिया है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 0.4, ठीक है. आगे देखते हैं क्या होगा. अभी आपका एक सेकेंड ना ज्यादा आगे पर, ठीक है. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. योर फोर्स विल बी, ये आपका वेक्टर फॉर्म है जब हम इसको आर क्यूब से करेंगे. मैंने सिंपल क्या किया, जो हमारी फोर्स निकल कर आई थी उसी को एक बार और आर से डिवाइड कर दिया, ठीक है. जिसको पूरा सॉल्व करना हो वो पूरा फिर से वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकता है, आंसर सेम आएगा, ठीक है. यहाँ पर टाइम नहीं था ज्यादा, इसलिए मैंने डायरेक्ट उसको आर से डिवाइड कर दिया. तो ये हो गया आपका फोर्स वेक्टर डायरेक्शन आर ए बी, ठीक है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स के बराबर होती है, ठीक है. हमको फिर से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी हम वही चीज यूज करेंगे. मैग्नीट्यूड के लिए सिंपल फॉर्मूला फोर्स अपॉन क्यू, और वेक्टर के लिए हम यूज करेंगे के क्यू वन आर ए बी क्यूब अपॉन वेक्टर, सॉरी वेक्टर आर, ठीक है. सॉल्व कर दो वैल्यू पुट करके, यू विल गेट द आंसर. फर्स्ट केस में 56.37 और जो हम वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे तो 140.92. जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैम ये आंसर अलग अलग क्यों है, आंसर अलग अलग ही आएगा. एक बार जाके फर्स्ट यूनिट पढ़ो, ठीक है. जब खुद से एक बार पढ़ोगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. अब ए पर हमको निकालना है सी से, यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डिस्टेंस हो जाएगा 64 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर फिर से मीटर में कन्वर्ट कर दो एंड सॉल्व, ठीक है. मैग्नीट्यूड आपका आ जाएगा इतना. इफ यू सॉल्व इन द वेक्टर फॉर्म इट विल कम 858.29 10^-3 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर इज, ठीक है. सेम विद द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप निकालोगे तो आपका मैग्नीट्यूड ये रहा और आपकी डायरेक्शन ये रही. मतलब जब वेक्टर फॉर्म में निकालोगे तो ये रहा, ठीक है. चलो ये था आपका क्वेश्चन, डन विद द स्क्रीनशॉट. आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं.
सेकेंड बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम्स व्हाट स्फेरिकली एंड सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर. आपको क्या बताना है, आपको स्फेरिकल सिलेंड्रिकल स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज बताना है और सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक चार्ज बताना है. दो टॉपिक हो गए. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड अ हॉलो मेटेलिक स्फेयर. ठीक है, हॉलो मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस आर हैविंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो. तो इसका आंसर तो सबको पता है मेरे ख्याल से, जिन्होंने थोड़ा भी अगर इलेक्ट्रिसिटी पे ध्यान दिया होगा अपने 11th में. तो अगर मेटेलिक स्फेयर है, ठीक है, मतलब ये सोचो आपके पास एक बॉल है, ठीक है, रबड़ की बॉल है, ठीक है, वो रबड़ की जगह किसकी बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है, मतलब सपोज करो कॉपर की बनी हुई है या सिल्वर चांदी की बॉल है, ठीक है. अब बीच का वो क्या है, बीच में वो हॉलो है, मतलब बीच का उसका जो पोर्शन है वो हमने निकाल के बाहर फेंक दिया. बीच में जितना भी रबड़ भरा था उसको ऐसे बीच में से करो, चाकू से छेद करो, और जितना भी मटेरियल है रबड़ का उस पूरे को निकाल के बाहर फेंक दो, ठीक है. अब क्या बचा, केवल बाहर का एरिया बचा आपके पास चांदी का, ठीक है. अब वो पूछ रहा है अगर कोई पॉइंट इनसाइड है, ठीक है, जहां अंदर खाली है कुछ भी नहीं है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. कॉमन सी बात है, ठीक है, इसमें क्या होता है, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये आपने 11th में बहुत अच्छे से डेरिवेशन पढ़ा है. अगर बीच में खाली है, ठीक है, कोई चार्ज भी प्रेजेंट नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी जीरो, ठीक है. इसी चीज को हमको बस एक्सप्लेन करना है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों हुई, ठीक है. ये मैंने आपको बता दिया क्यों जीरो होगी, क्योंकि जो हमारा स्फेयर है वो मेटल का है, वो ये नहीं बोल रहा है कि स्फेयर के अंदर चार्जेस भरे हुए, ठीक है, स्फेयर के अंदर तो हॉलो है ना, खाली है, कुछ है ही नहीं, पूरा जो मटेरियल तो आपने निकाल दिया पहली बार. तो अगर अंदर कोई पॉइंट है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी होगी जीरो, ठीक है. स्क्रीनशॉट्स ले लो. स्फेरिकल सिमेट्री क्या होती है, ऐसी सिमेट्री जिसको आप किसी भी डायरेक्शन में चेंज करो. सपोज करो ये स्फेयर है, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करूं, ठीक है, या फिर यही स्फेयर है मैं इसको इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करूं, तो जब हम इसको रोटेट करते हैं तो इसकी क्या नहीं होती है, इसकी सिमेट्री चेंज नहीं होती है, सारे एक्सिस पर एक जैसा बिहेव करता है. उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. सिलेंड्रिकल क्या होता है, सिलेंड्रिकल आपका फिगर में दिया हुआ है, इसमें भी यही है आपका कि आप कुछ ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है. सपोज करो ये आपका सिलेंडर, ठीक है, तो अगर हम इसको एक्सिस के अराउंड टर्न करते हैं, ठीक है, अब देख लो कॉमन सी चीज है, आप कोई भी अपना बॉटल उठा लो, उसको आप रोटेट करोगे, ठीक है, क्या इसकी सिमेट्री चेंज होगी, नहीं होगी, तो ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है सेम रहेगा, राइट. तो सिलेंडर में हम ये बोलते हैं कि जब हम इसको अलोंग द एक्सिस, ठीक है, जिसको एक्सिस को आपको डिनोट करके बताना पड़ेगा, या तो पी क्यू एक्सिस या फिर ए बी एक्सिस, ठीक है, जब इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करते हैं तो इसकी सिमेट्री चेंज नहीं होती है. ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. और अब लास्ट आपका जो हम बोलेंगे कि हॉलो स्फीयर क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी रहेगी जीरो, ठीक है. क्यों रहेगी जीरो, सबको समझ में आ गया, क्योंकि अंदर उसमें क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ही नहीं है, जो इनक्लोज्ड चार्ज है, ठीक है. आप गॉस लॉ से प्रूफ कर सकते हो इसको, गॉस लॉ सबको पता है, ई डॉट डी एस क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. इससे हम इसको क्या कर देंगे, इससे आप इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हो, ठीक है. तो अब यहाँ पे जो चार्ज इनक्लोज्ड होंगे, ये आपका स्फेयर था, इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो जीरो है, क्योंकि चार्ज ही नहीं है, अंदर हॉलो है. तो जब यू आपका क्यू जीरो हो जाएगा, तो गॉस लॉ से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या हो जाएगी, जीरो. ये हमने अभी प्रूव कर दिया. बेसिकली हमको पता है थ्योरेटिकल है हमारी नॉलेज से कि वो तो जीरो होगा, और यहाँ पे आप फिजिक्स के गॉस थ्योरम से भी इसको क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो, ठीक है. तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन जो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, कि अंदर स्फीयर में कोई चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है, देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो, ठीक है, क्लियर. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है. टू पार्टिकल्स कैरिंग 4 कूलम एंड 2 कूलम चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन अ 1 मीटर लॉन्ग स्ट्रेट वायर. ठीक है, एक स्ट्रेट वायर है, उस पर 2 चार्जेस आपके रखे हुए हैं, 4 कूलम और 2 कूलम. ठीक है, डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज पार्टिकल्स वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0. आपको बताना है अगर हम इन 2 पार्टिकल्स को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, चलो इसको नेम कर देते, ये हो गया ए, ये हो गया बी. ठीक है, तो इस लाइन पर कहाँ पर इसका पोटेंशियल 0 होगा. सिंपल मैथमेटिक्स से आप यूज कर सकते हो, ठीक है, कि हमको एक पॉइंट ले लेते हैं, वहां पर 0 होगा, तो एक डिस्टेंस आपका हो जाएगा एक्स, एक हो जाएगा 1 - x. डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब आप ऐसे कर सकते हो, किसी को यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर डेफिनेशन भी ऐड करनी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, कोई बुराई नहीं. ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल था, अगर हम ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 या 2 पेज में हो जाएगा. ठीक है, तो किसी को अगर लेंथी आंसर लिखना है, थोड़ा बड़ा करके लिखना है, तो आप यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन विथ फॉर्मूला भी इंक्लूड कर सकते हो. ठीक है, डिफाइन कर दो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है. तो हमको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, वही 1/4πε0Q/r, राइट. तो ये आप यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हो. ठीक है, जिसको नहीं करना है डिफाइन, वो एज अ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकता है. ठीक है, आगे देखते हैं. तो क्या होगा, हमने सिंपल वैल्यू पुट की, माना हमने कि क्या है जो आपका यहाँ पर पॉइंट पी है, सपोज करो पी पॉइंट पे आपका पोटेंशियल 0 हो रहा है, या वो क्यू वन है, ये क्यू टू है. हमने डिस्टेंस अज्यूम कर लिया कि ये एक्स डिस्टेंस है यहाँ से, और ये आपका टोटल 1 था. ये काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि 1 - x कहाँ से आ गया, तो टोटल आपका डिस्टेंस 1 था, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 - x. ठीक है, सिंपल मैथ्स था, हमने वैल्यू पुट करी, कॉन्स्टेंट कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे के की वैल्यू रखने की. ठीक है, व्हेन यू विल सॉल्व द आंसर विल कम x = 2/3. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसको दोनों तरीके से लिख सकते हो. काफी बच्चे यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि पोटेंशियल इज 0 at 2/3 फ्रॉम क्यू वन, ये क्यू वन है, ठीक है, क्यू नहीं है, हाँ क्यू वन है, कंफ्यूज नहीं होना, जल्दी जल्दी में लिखा था. तो ये क्यू वन से कितना, क्यू वन से 2/3 सेंटीमीटर पर या मीटर पर, क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, मीटर दिया हुआ है, तो 2.3 मीटर पर. ठीक है, और अगर क्यू टू से लिखना है तो क्यू टू से कितना हो जाएगा, अगर क्यू टू से लिखोगे तो 1 - 2/3 यानी 1/3. तो आप इसको यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, पोटेंशियल विल बी 0 at 1/3 मीटर फ्रॉम क्यू टू. ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हो, अगर Q1 से लिखना तो वैसे भी लिख सकते हो, Q2 से लिखना तो वैसे भी लिख सकते हो. ठीक है, तो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर सी. ठीक है, 2 का सी था. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd का है. ठीक है, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक. आपको डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन बताना है, ये आपकी इग्नोस की बुक में पूरा चैप्टर दिया हुआ है डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर. ठीक है, एक पूरा यूनिट है, तो उसका फर्स्ट टॉपिक है पोलराइजेशन. ठीक है, देख लेना. शो डेट व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज फिल्ड विद द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय द फैक्टर ए द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल. जहां पर कि आपका क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सिंपल बोल रहा है कि 2 हमारी प्लेट्स हैं. ठीक है, ये आपका प्लस चार्ज है, ये आपका माइनस चार्ज है. ठीक है, ये कैपेसिटेंस के लिए. अगर हम इस बीच में, ये डेरिवेशन भी सबने पढ़ा है, हम यहाँ पर डेरिवेशन नहीं करेंगे. यहाँ अगर आप बीच में एक के डायलेक्ट्रिक कर दोगे तो जैसे कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स बढ़ जाएगा. ठीक है, यही आपको यहाँ पे प्रूव करना है. और पहला थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है, तो देख लो क्या होता है डायलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन. ठीक है, तो हमको पता है पोलराइजेशन मतलब चार्ज को इंक्लूड करना, या हम बोल सकते हैं चार्ज को लेकर आना. तो किन किन तरीकों से हम चार्ज इंड्यूस कर सकते हैं किसी भी चीज में, किस चीज को हम मतलब उस पर चार्ज दे सकते हैं. पहला फैक्टर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे उस पर, उसकी वजह से. दूसरा डायपोल मोमेंट. ठीक है, तीसरा अलाइनमेंट ऑफ द डायपोल, जब पढ़ते हो जब हम सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, राइट, उसके कारण. एंड लास्ट अफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लो इसका, लेट्स मूव अहेड, आगे देखते हैं. ठीक है, चलो.
अफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. सिंपल है, आपका फॉर्मूला रहेगा C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी. ठीक है, जब हम K इंक्लूड करते हैं तो हमारी जो ये फ्री परमिटिविटी है ये आपकी चेंज हो जाती है. ठीक है, तो अगर हम इंक्लूड करेंगे डायलेक्ट्रिक तो उसकी कुछ परमिटिविटी होगी, तो वो होती है K इंटू एप्सिलॉन नॉट. तो हम एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हम क्या रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे. ठीक है, E बाय K. ठीक है, इसकी वैल्यू अभी अब यहाँ पे रखोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, C डैश इक्वल टू के सी. मतलब जो न्यू कैपेसिटेंस आया है वो K टाइम्स है आपका पहले या नॉर्मल कैपेसिटेंस. ठीक है, यही प्रूफ करना था. सो द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय द फैक्टर K, जो आपका क्या है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है किसी भी मटेरियल का. ठीक है, डन विद द स्क्रीन शॉट, हो गया. चलो आगे देखते नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड बी, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स शोन इन द फिगर बिलो. ओके, ये मैंने सॉल्व नहीं किया. ठीक है, चलो देखो कोई दिक्कत नहीं. ये आपका सिंपल इसको रेजिस्टेंस सर्किट जैसे ही मानो. ठीक है, कि आपका ए और बी के बीच में क्या बताना है, आपको कैपेसिटेंस बताना. ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे, अगर हम सपोज करो कि ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस सर्किट ही है. ठीक है, तो कितना आ जाएगा आंसर, एक सेकेंड. हाँ, देखो इस फिगर को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ, फिर इसको पहले ड्रॉ कर लेते. ठीक है, ये आपका ए है. ठीक है, ये आपका पहला कैपेसिटेंस है, ये दूसरा कैपेसिटेंस है, ये बी हो गया. ठीक है, एक आपका यहाँ बीच से जा रहा है. ठीक है, और एक आपका यहाँ साइड से जा रहा है. ठीक है, अब अगर यहाँ से आप देखो, ठीक है, हमको सब सारे कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है. अगर लिखना है यहाँ पे तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, सॉल्व करने में इजी होगा. इसको डी पॉइंट दे दो और इसको क्या करो, इसको हम लिख देते हैं पॉइंट ई. ठीक है, अगर आप इसको पॉइंट ई लिख दोगे, ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखो कि नीचे के जो दो कैपेसिटेंस है, ये दो कैपेसिटेंस आपके किस में आ रहे हैं, सीरीज में या पैरेलल में. देखो यहाँ पे ये वाला जो कैपेसिटेंस है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इसको नाम दो C1 C2. इनका देखो स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, ठीक है, और एंड पॉइंट सेम है, ये वायर तो सेम है. तो जो C1 है एंड C2, इसको आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं, शायद भूल गई होगी. C1 C2 विल बी इन पैरेलल. ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे. तो हमको पता है पैरेलल में रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, C1 + C2, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम. तो आंसर क्या आ जाएगा, C + C, दैट इज 2C. ठीक है, तो हम इन दोनों सर्किट को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो नया कैपेसिटेंस आया वो क्या आया, कैपिटल सी. ठीक है, पहला पॉइंट. अब इसको, इस सर्किट को यहाँ से हटा दो. ठीक है, इसको मैं यहीं पर इरेज कर रही हूँ, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, अब हमारा क्या निकल कर आया, ये आपका सी है, और यहाँ पे जो हमारा था, ये आपका जो नया कैपेसिटेंस आया, ये हो गया 2C. ठीक है, और ये आपका रहेगा सी. ठीक है, ये वाला जो कैपेसिटेंस था यहाँ का हट गया. अब क्या होगा, अब जो तीनों हमारे बचे, ठीक है, सी बचा है, 2C बचा है और सी बचा. ठीक है, अब देखो यहां से हमको दिख रहा है ये वाला सी और ये 2C क्या है, सीरीज में. ये कितना हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगर डिटेल में लिखना है, द कैपेसिटेंस बिटवीन, ठीक है, थ्योरी बोल रही हूं मैं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मना लिख लो, सिंपल है, द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड डी, या फिर ऐसे लिख लो ए डी एंड डी बी आर इन सीरीज.
क्या है ये सीरीज में है, ठीक है। अब सीरीज में है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अगर सीरीज है तो रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा वन अपॉन सी, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन टू सी, ठीक है। क्योंकि हमें याद ये याद रखो रेजिस्टेंस से उल्टा चलता है, रेजिस्टेंस में हम जो फॉर्मूला पढ़ते हैं उसका जस्ट अपोजिट हमारा होता है कैपेसिटेंस में, ठीक है। तो वन बाय सी प्लस वन बाय टू सी कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लो टू सी आ जाएगा थ्री बाय टू सी, तो सी डैश की वैल्यू आ जाएगी आपकी टू सी बाय थ्री, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ गया टू सी बाय थ्री। अब इसको यहाँ पे रेज करें आगे बनाए, चलो आगे बनाते। ये आपका जो रेजिस्टेंस था सॉरी कैपेसिटेंस था कितना आ गया थ्री सी बाय कितना था टू सी बाय थ्री, राइट। तथा यहाँ पे लिख दो टू सी बाय थ्री, और अब ये आपका एक कैपेसिटेंस नीचे का बचा हुआ है यहाँ पे जो यहां से आ रहा था, ठीक है। अब क्या हो गया, अब ये दोनों पैरेलल में हो गए, ठीक है। इसको हमने क्या पॉइंट दिया था, ई पॉइंट दिया था ना, तो यहाँ पे आप फिर लिख दोगे द कैपेसिटेंस बिटवीन रहता है, हम पढ़ते उसके अपोजिट होता है यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन में आपका नॉर्मल प्लस होता है, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन में आपका आ जाएगा सी इज इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी, ठीक है। ये फॉर्मूला डिस्क्राइब कर देना आपका इजिली कितना हो जाएगा, चार पेजेस हो जाएंगे, ठीक है, जब इसमें फॉर्मूला पूरा डिस्क्राइब करोगे और फिर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गेस टाइम हो गया राइट, 8:45 हो रहा है, चलो ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका बच्चा है एक, ठीक है, सी, और फोर आपके बचे हुए हैं तीन ऑप्शंस, सॉरी तीन क्वेश्चंस, राइट। तो आपके टोटल चार क्वेश्चंस बचे हुए, ठीक है। चार क्वेश्चंस हम देखेंगे कल की क्लास में क्योंकि आज कवर नहीं होगा, नौ बज जाएंगे इसलिए, ठीक है। तो चार क्वेश्चंस कल देखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कल हम ऐसा करेंगे इसका एक बार थोड़ा सा थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे, क्योंकि टाइम बचेगा, ठीक है, टाइम बचेगा, थोड़ा सा हम थ्योरी देख लेना या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो बता दूंगी, ठीक है। तो आज की क्लास को यही एंड करें, किसी को डाउट यहाँ तक, ये क्वेश्चन भी इजी है, क्लियर। एनर्जी दिया हुआ है आपको, कैपेसिटेंस निकाल लोगे इससे वन बाय टू सी वी स्क्वायर से, यहाँ से कैपेसिटेंस की कुछ वैल्यू आ जाएगी और फिर आपको एनर्जी बताने 6 वोल्ट की, तो इस कैपेसिटेंस को हम दूसरे वाले फॉर्मूले में रख देंगे जहाँ पे पोटेंशियल आपका दिया है 0.6 वोल्ट और कैपेसिटेंस जो आप यहाँ से निकालोगे उसका वैल्यू उठाकर नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, देन वी विल बी लेफ्ट विद ओनली फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर भी चलो कल से इसको देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास यही एंड करते हैं, ठीक है। विल मीट टुमारो 8:00 इन द मॉर्निंग, ठीक है। टिल देन बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।